आपका फिर स्वागत है। यहाँ पर आज हम कर रहे हैं बात मिल्खा सिंह की फिटनेस के बारे में, यानी कि हम बता रहे हैं आपको कि अगर आप चाहते हैं बॉडी बनाना फरहान अख्तर जैसी, तो फिर आपको उसमें क्या कुछ फॉलो करने की जरूरत है। इसके बारे में जानकारी तो हमने आपको दे दी है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप जो भी तरीका आजमाएंगे वो बिल्कुल सेफ और हेल्दी होगा। और ऐसे में चाहे आप भागे या फिर आप वर्कआउट करें जिम के अंदर, किसी भी तरह की बॉडी को पाने के लिए आपको अपनी डाइट पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर वो सही होगी तो ही आप सेफ तरीके से अपनी बॉडी को बना पाएंगे अपने मन मुताबिक। तो क्या होनी चाहिए डाइट टिप्स जिम में वर्कआउट करने के दौरान और साथ ही में भागने से पहले, इसके बारे में जान लीजिए हमारे एक्सपर्ट से, एक्सपर्ट की सलाह में। जब हम बात करते हैं डाइट की, तो स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स सबके लिए ही हेल्थी है, पर जब आप रनिंग कर रहे हैं खास तौर पे वजन घटाने के लिए, तो जनरल डाइट में कहा जाता है कि 60% कार्बोहाइड्रेट रखिए, 20% प्रोटीन और 20% फैट। बट वजन घटाने के लिए फोकस करने की ज़रूरत है आपके कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि अनाज पे, क्योंकि हम जो भी खाते हैं उसका एंड प्रोडक्ट ग्लूकोज ही बनता है, और हम अनायास ही निबलिंग कर जाते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि डाइट में मेजरली कार्ब्स जा रहा है। आप इस परसेंटेज को थोड़ा सा रिवाइज करिए, उसमें हम ऐसे करेंगे 20% फैट है, 20% कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और बाकी जो 60% है दैट शुड बी लाइक प्रोटीन। प्रोटीन लेने से ना केवल आपका एक मसल बिल्डिंग अच्छा रहेगा, बल्कि जो रनिंग के दौरान आपकी मसल का वेयर एंड टियर रहा उसकी रिपेयर बहुत अच्छी रहेगी। दूसरी एडवांटेज ये रहती है कि प्रोटीन ग्लूकोज नहीं बनता, तो वो आपकी जो वाइल रनिंग द काइंड ऑफ एनर्जी यू नीड तो उसमें हेल्प करता है। लेकिन जनरली जब हम कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं, तो फॉर एग्जांपल हमारी डाइट में हम राजमा चावल ले रहे हैं, तो गलती एक तो हो जाती है कि हम उसका पोर्शन ज़्यादा लेते हैं, दूसरा राजमा और चावल कॉम्बिनेशन में कार्बोहाइड्रेट्स का काम करता है, वो प्रोटीन्स का काम नहीं करता। तो बेटर एग्जांपल रहेगा कि हम सैलेड में बॉयल्ड राजमा या बॉयल्ड चने डाल के टेक इट एज अ मील। जनरली जो एक डाइट है, आप जितना भी कैलोरीज आप कंज्यूम करते हैं उसमें आपको ज़रूरत है 300 कैलोरीज का नेगेटिव क्रिएट करने का। जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्रोकली है, खीरा है, वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि कैलोरी में कम है बट आपकी बॉडी ज़्यादा कैलोरी बर्न करती है उसको डाइजेस्ट करने के लिए। सो कंज्यूम दोज थिंग्स जो आपको एनर्जी भी दे रहे हैं, साथ में विटामिन सी विटामिन ई भी दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रोकली, टोमेटो, चेरीज, ऑरेंजेस, बेरीज, दे आर वेरी गुड एग्जाम्पल्स जो आपको एंटी ऑक्सीडेंट्स भी देंगे। पानी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर व्हाइल यू वर्किंग आउट। द रीज़न बींग, जनरली पानी के लिए एक मिथ रहता है कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो करते हुए आप पानी नहीं पीजिए। पीपल जनरली वुड से कि उसमें शरीर में फुलावट आ जाती है, दैट्स कम्प्लीटली अ मिथ। ऑन द कॉन्ट्ररी, जब आप एक्सरसाइज करते हैं और जब आपको स्वेट लॉस जो आपकी बॉडी में रहता है, आपको इमीडिएटली उसको रिहाइड्रेशन करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप जिम में वर्कआउट कर रहे हैं, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप थोड़ा थोड़ा पानी बीच में सिप करते रहें। जनरली जो पूरे दिन में लेना है वो तो 15 ग्लास का इनटेक है ही, लेकिन वर्कआउट के दौरान कीप सिपिंग द वाटर। एंड इफ यू आर वर्किंग आउट आउटसाइड, आप किसी पार्क में या मैराथन रनर हैं, तो उस टाइम पे और ज़रूरी है कि जो स्वेट लॉस में आपके मिनरल्स डिप्लीट हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल सोडियम एंड पोटेशियम, उसका रिहाइड्रेशन, उसका दोबारा से जो उसका कॉम्पेंसेशन है, दैट शुड बी डन इमिडिएटली। नहीं तो आपकी बॉडी दैट कैन गो इनटू, जिसको ट्रॉमा कहते हैं कि हीट स्ट्रोक हो गया या मिनरल्स डिप्लीट हो गए, उस टाइम पे आप ग्लूकोन सी ड्रिंक ले सकते हैं, शिकंजी ले सकते हैं, या कोई भी ऐसी एनर्जी ड्रिंक ले सकते हैं जिससे आपको एनर्जी भी मिले और आपके विटामिंस और मिनरल्स भी दोबारा से रिप्लेनिश हों।